बिहार के बक्सर के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वे पटरी हो गई है। टुडीगंज और रघुनाथपुर के बीच ये हादसा हुआ है। दुर्घटना स्थल पर तड़के तक राहत एवं बचाव कार्य चला। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। कुल करीब 80 लोग घायल हैं। इसमें से कुछ लोग रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, कुछ को आरा में बक्सर में एवं कुछ को एम्स एवं IGMS पटना में भर्ती किया गया है। रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। ये ट्रेन दिल्ली से चलकर कामाख्या जा रही थी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के अनुसार रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे के बाद रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी थी कि दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से असम के कामाख्या तक जाने वाली 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बुधवार को बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। अधिकारी ने बताया कि यह घटना रात के 9:53 पर। इस घटना में हताहत हुए लोगों की संख्या बताना अभी मुश्किल है। रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि बक्सर के पास जो पटरी से ट्रेन उतरी है वहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, राज्य आपदा मोचन बल SDRF, जिला प्रशासन, रेलवे अधिकारी एवं स्थानीय लोगों की टीम काम कर रही है। वही बक्सर रेल हादसे पर भोजपुर जिला अधिकारी राजकुमार ने बताया कि हमें जैसे ही सूचना मिली हमने तुरंत 15 एम्बुलेंस, 4-5 बसें, SDRF की टीम मौके पर भेजी। वहां से जितने भी मरीज आएंगे स्टेशन से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 3 एम्बुलेंस खड़ी है। हमारी ओर से अस्पताल में पूरा प्रबंध किया जा चुका है। जितने भी डॉक्टर छुट्टी पर थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। जो डॉक्टर पटना में थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। जिला अस्पताल के साथ साथ पटना एम्स हॉस्पिटल सहित सभी हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर हैं। देखिए, जैसे ही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि रघुनाथपुर में ट्रेन डिरेल हो गई है, पूरा जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है और हम लोग सभी यहाँ से भोजपुर जिले से 15 एम्बुलेंस, 4-5 बसेस और हमारे SDM खुद लेके गए हैं। SDRF की पूरी टीम को वहाँ रवाना कर दिया गया मेज तरीके से। साथ ही साथ हम वहाँ से जो भी लोग पैसेंजर आएंगे उनके लिए हम स्टेशन पे हमारे 3 एम्बुलेंस खड़े हैं और हमारे सभी जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं और आप देख रहे हैं सदर अस्पताल में भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लड बैंक को भी खोल दिया गया रात में। सारे डॉक्टर्स जो जिनके ड्यूटी नहीं भी थी उनको भी बुला लिया गया है ड्यूटी पे, ताकि किसी तरह जो भी घायल यात्री आते हैं उनको कठिनाई का सामना न कर पाए। हमारे ADM, हमारे जो सिविल सर्जन, हमारे SDM, हमारे जो DS हैं और सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और जो भी हर संभव मदद होगी अविलंब किया जाएगा। कितना भी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित? देखिए, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं उन सबको बुलाया जा रहा है। जितने डॉक्टर यहाँ पास में थे उस जिनकी ड्यूटी थी वो तो है ही, उसके अलावा जो आरा शहर में थे उनको बुला लिया गया। इवन जो ड्यूटी में नहीं थे पटना थे उनको भी वापस बुलाया जा रहा है कि भाई आप आइए, इमरजेंसी है और इसमें वो लोग वापस आ रहे हैं। सब लोग हम लोग मिल के उनको सेवा करेंगे और उसके लिए पूरा तरह जिला प्रशासन तैयार है। सर, कोई कैजुअलिटी की सूचना मिला है? सर, देखिए, कैजुअलिटी के बारे में कोई प्राइमरी सूचना नहीं है। इसके बारे में बेहतर ढंग से जो बक्सर DM साहब हैं वो बता पाएंगे। यहाँ पे हम लोग उनके जो कोई भी उपचार के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर उस तरह के घायल मरीज आते हैं या पैसेंजर आते हैं उनका हम लोग इलाज करेंगे और उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। इवन एम्स पटना को भी अलर्ट पर रखा गया है कि कोई अगर उस तरह की विशेष परिस्थिति होती है पटना रेफर करने तो एम्स पटना में रेफर किया जाए। बड़ी घटना घटी है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर, डिरेल हुई है पूरी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट, आप पहुंचे हैं, क्या स्थिति है अभी? ये सूचना प्राप्त हुई थी 10 बजे के आसपास और तुरंत जो फोर्स हैं, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी सब लोग यहाँ रेस्ट किए थे। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अधिकांश घायलों को यहाँ से निकाल लिया गया है। अभी जो स्थिति है, अभी 1:45 पर तो अभी किसी के भी बोगी में फंसे होने की सूचना नहीं है। सबको निकाल लिया गया है और जितने भी डिब्बे हैं उनको सर्च किया जा रहा है। कितने लोग की सर डेथ हुई और कितने इंजर्ड हुए हैं इस बड़ी घटना में? अभी तक 4 डेड बॉडीज रिकवर की गई है और लगभग 50 से ऊपर लोग घायल हैं जिनको यहाँ बक्सर में उपचार कराया जा रहा है और कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको पटना रेफर किया गया है। पूरी की पूरी ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन, क्या लग रहा है, क्या कारण हुआ है घटना का? अभी तो देखने से लग रहा है कि गाड़ियां, मतलब जो पूरी ट्रेन है वो डिरेल हुई है। ज़्यादातर डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, कुछ पलट गए हैं, कुछ एक दूसरे से टकराए हैं। बाकी आगे जाँच में पता चल सकेगा। अभी राहत कार्य क्या चल रहा है? अभी आपकी टीम राहत कार्य में SDRF की टीम यहाँ पे आई हुई है, पुलिस बल है, बक्सर, भोजपुर,
और रोहतास तीनों जगह से बल और ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, और जिला पदाधिकारी बक्सर और पुलिस अधीक्षक बक्सर के नेतृत्व में यहाँ पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। जो पैसेंजर हैं उनको कैसे सर कुछ व्यवस्था किया जा रहा है ले जाने के लिए? उनको मदद मुहैया कराई जा रही है और स्पेशल बसेस भी यहाँ से चलाए जा रहे हैं उनको विभिन्न गंतव्य जो स्थल हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए। साथ ही दानापुर और पटना में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, तो जल्द से जल्द उन लोगों को भी जहाँ पे वो उनका गंतव्य स्थल होगा उसके लिए विशेष व्यवस्था करके उनको पहुँचाया जाए। अभी सामान्य है? अभी स्थिति राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। सर जो डेथ किए हैं क्या उनकी पुष्टि हो चुकी है कि कहाँ के हैं वो लोग? उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पुष्टि होने पे आप लोगों को सूचना दी जाएगी। थैंक यू सर।